गाइस हेलो, आज के ब्लॉग में हम आपको यूएसए की कॉलोनी दिखाएंगे और सुबह दिखाएंगे कितना घना अंधेरा हो रखा है। अभी यहाँ पर सुबह के 7 बजे हुए हैं और टेम्परेचर 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री में आज हम मॉर्निंग वॉक करेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ के घर, रोड्स और सराउंडिंग एरिया, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और घर कैसे होते हैं, ये सब आप लोग देखेंगे आज। यहाँ पे ऐसा ये नीले कलर का जो है ये डंपस्टर होता है, इसके अंदर लोग अपना कचरा वगैरह डाल के जाते हैं एक पॉली बैग में पैक करके थैली के अंदर, और फिर गाड़ी आती है वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 दिन, वो इस पूरे डंपस्टर को अपने कंटेनर के अंदर डाल करके और लेके चले जाती है। देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है ये आरवी वैन है, ये एक तरीके से छोटा घर है अमेरिका वालों के लिए। ये कहीं भी जाते हैं तो इसको अपनी कार के पीछे लगा लेते हैं, और ये कहीं पर भी हाइकिंग ट्रैकिंग और उसके लिए जाते हैं तो वहाँ पर ले जाके खड़ी कर देते हैं, और इसमें इनका सब कुछ रहता है। ये एक तरीके से मिनी होम है इन लोगों के लिए। ये देखिए एक घर के आगे, जैसे मैंने कहा था अपने लास्ट वीडियो में, कम से कम 2 से 3 कार होती हैं, 2 कारें खड़ी हैं इनके पास में। और इनकी वाइफ जो है वो नर्स है हॉस्पिटल में, तो आई थिंक उनकी नाइट ड्यूटी है इसलिए वो अपने उधर गए हुए हैं हॉस्पिटल। ये घर देखिए, ये 2 मंजिल का घर है, और यहाँ पर जितना आपको ये नीचे का हिस्सा दिख रहा है और उसके ऊपर जो ये चद्दर जैसी दिख रही है, बस यहीं तक ही सीमेंटेड है ये, उसके ऊपर ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो इसका जो सेकंड फ्लोर है उसकी छत भी लकड़ी की ही बनी हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ की लकड़ी कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ के जो बिजली के खंभे रहते हैं वो भी लकड़ी के ही बने हुए रहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आगे जा कर के जहाँ पर वो बिजली का खंभा दिखेगा। अभी आप देखोगे कि इस पूरे एरिया में अंडरग्राउंड वायरिंग है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक पोल खड़े हुए मिल जाएंगे जैसे अपने भारत में होता है। कहीं कहीं पर है, जैसे उधर से पॉइंट लाने के लिए घर के लिए वहाँ पे एक डीपी टाइप में दे रखा होता है, वहाँ से फिर अंडरग्राउंड वायरिंग हो जाती है, तो ऐसे होता है वो सब। देखिए यहाँ पर ओपन एरिया कितना रहता है घरों के सामने, इतना इससे ज़्यादा लगभग 1.5 गुना पीछे की साइड में रहता है। तो जब समर सीज़न आता है तो यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है, घर के आगे पूरा इतना हरा भरा घास रहेगी और ये सब रहेगा, पर विंटर्स के अंदर तो पत्ते पूरे झड़ जाते हैं यहाँ पर, और पेड़ बिल्कुल बेजान तरीके से लगते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरे सूखे हुए पेड़ हैं, और पेड़ों की संख्या देखिए आप कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए सामने से कार आ रही है, ये हमें जाने देगी और खुद साइड में हो जाती है। देखिए पीछे हमारे पीछे भी एक कार आ रही थी जो अभी आपको जाते हुए दिखेगी, वो वहाँ पर खड़ी हो गई थी जिससे मुझे नीचे ना जाना पड़े और ये एक दूसरे को पासिंग दे गए। देखिए ये कार थी जो मेरे पीछे से आ रही थी, ये एक जगह खड़ी हो गई, इसने उस कार को जाने दिया जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और दोनों कारें ऐसे क्रॉस हो गई। कितना अच्छा सिस्टम है ना, अपने वहाँ पर तो हॉर्न बजा बजा कर ही सब लोगों को जगा देते, हो सकता है 1-2 गाली भी दे करके चला जाता। यहाँ पर ऐसा नहीं है, काफ़ी सभ्य लोग हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है, ऐसे नहीं करते हैं कि तुम इंडिया से हो तुम यहाँ से हो, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है, सबको बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट देते हैं, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट द सेम काइंड ऑफ रेस्पेक्ट। अभी कुछ कुछ घरों में क्रिसमस की जो लाइटिंग है थोड़ी बहुत वो नहीं हटी है, क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत से घर वालों ने हटा दी है वो, क्योंकि अब क्रिसमस भी, उससे पहले हैलोवीन था, फिर क्रिसमस आया और फिर न्यू ईयर आया, तो उन लोगों ने काफ़ी अब हटा दिए फाइनली।
ये देखिए ये जो कवर है इसके अंदर भी आरवी वैन है। नीचे आपको टायर दिख सकते हैं कितनी बड़ी है, ये काफ़ी कवर करके रखा हुआ है। इनका शायद विंटर्स में कहीं जाने का प्लान नहीं है, इसलिए इन लोगों ने कवर कर दिया है, क्योंकि स्नोफॉल और ये सब होने के चांसेस हैं अभी यहाँ पर, इसलिए। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाता रहूँगा। ये देखिए जहाँ पे ये स्टॉप लिखा हुआ है, कार को यहाँ पर खड़े होना है और दोनों तरफ देखना है, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा वे उसको देख करके ही क्लियर करना है। ये देखिए इस घर के पास में 3 कारें हैं, तो नॉर्मल है यहाँ पर 2 कारें तो एटलीस्ट है ही, मैक्सिमम घरों में 3 कारें मिलेंगी आपको मैक्सिमम घरों में। देखिए मैं एक और घर दिखाता हूँ, ये वाला, इनके पास भी देखो 2 वाइन कलर की कार है और साइड में एक जीप खड़ी हुई है। तो ऐसा होता है, आपको ये जो ड्राई लीफ कलर के जो दिख रहा है, ये पूरे पत्ते हैं जो झड़े हुए हैं, सारे पत्ते झड़ गए हैं इस विंटर के अंदर। देखिए ये कार अब इस स्टॉप सिंबल पे खड़ी होगी, देखेगी, देखा, और दोनों तरफ से क्लियर होगा तो ही निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगी। देखिए देखा आपने क्या होता है, सीधा घुसा दो, और कोई अब दूसरी तरफ से आ रहा है तो उस पर ही ब्लेम डाल देते हैं, देख के नहीं चला सकता क्या, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। मैं इस रोड पर जा रहा हूँ, देखिए इतनी छोटी सी मार्किंग है, मुझे इसके अंदर ही चलना है और जो ट्रैफिक फ्लो है उसके अगेंस्ट चलना है, अपोजिट में, जिससे सामने वाले को पता लगे कि मैं आ रहा हूँ और मुझे पता लगे कि सामने से कोई आ रहा है। सामने से जब कोई व्हीकल आएगा तो मैं तो खैर नीचे उतर जाता हूँ, लेकिन वो कार वाला भी लगभग अपने अपोजिट डायरेक्शन और या फिर ये क्लो ये जो लाइन है ना इसके पास चला जाता है, मतलब उस तरफ चला जाएगा। और ज़्यादा कुछ रहा अगर सामने से कुछ, उसके अपोजिट से कोई कार नहीं आ रही है तो बिल्कुल अपोजिट साइड में चला जाएगा, जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो और मैं आराम से पैदल चल पाऊँ। और अगर उसके अपोजिट से कोई कार आ रही है तो वो वहाँ पर पीछे खड़ी कर लेगा, और अगर उसने मुझे देखा कि मैंने उसको रास्ता दिया है, मैं नीचे उतर गया हूँ रोड से, तो फिर वो निकाल लेता है। एक सब अर्बन एरिया है, तो इसलिए इसकी रोड जो है वो 2-वे है, इसलिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं नीचे उतर जाता हूँ, जैसा कि वो जैसा वो चाहते हैं कि मुझे दिक्कत ना हो, मैं भी चाहता हूँ कि इन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, और ये अपने जिस स्पीड में जा रहे हैं उसमें जाते रहें। तो इट्स लाइक अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ थिंग, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। आप देख सकते हैं कैसे बढ़िया घर बने हुए हैं, ये घर पूरे एसी होते हैं, सेंट्रलाइज एसी रहता है इसके अंदर, उसके थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर है 58 फ़ारेनहाइट से नीचे टेम्परेचर, रूम घर का टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनका लकड़ी का घर है और उसके अंदर पाइपलाइंस लगी हुई हैं पानी की और ये सब, तो वो फ्रीज होने की जमने के चांसेस रहते हैं। जैसा अभी विंटर है तो यहाँ पर वार्निंग्स आना चालू हो जाता है कि अपने घर का टेम्परेचर इतना रखें, आपके जो वैनिटी है उनके डोर्स ओपन रखें, जो टॉयलेट के अंदर वॉश बेसिन रहता है उसके नीचे जो डोर रहता है उसको ओपन रखें। देखिए अभी सामने से कार आ रही है, मैं नीचे नहीं उतरूँगा, और ये देखो कितना साइड में हो गई है, चली गई है ना उस तरफ, यही कह रहा था मैं। देखा आपने, ना इसने हॉर्न बजाया है ना कुछ किया है, ये खुद से ही दूसरी तरफ चली गई। ये होता है ट्रैफिक रूल्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है। सिटी के अंदर भी जाओगे तो आपको सेम ऐसे ही मिलेगा, इनको कोई जल्दी नहीं है जब तक रोड पे चल रहा है। अगर जैसे रेड लाइट है वहाँ पे खड़े हो और ये ग्रीन हो गई है, अगर तुमने गाड़ी मूव नहीं करी, तो उस केस में ये लोग हॉर्न ज़रूर बजा के बताएंगे कि चलो आगे बढ़िए। ये देखिए ये पूरा ओपन एरिया है,
इसके जो उस तरफ जो कॉलोनी जो दिख रही है वो काफ़ी खूबसूरत कॉलोनी है। उस कॉलोनी का देखने का मज़ा समर्स के अंदर है। इतना ग्रीन लश एरिया है, इतने बड़े बड़े घर के देख के मज़ा ही आ जाता है। उसका भी टूर अपन करेंगे। देखिए शांति, देखिए मतलब चिड़ियाओं की चहचहाट जो है वो आपको कितनी क्लियरली सुनाई देगी। मेरी सांस, मेरी जो ब्रीथिंग है वो भी आपको सुनाई दे रही होगी। इतनी शांति है यहाँ पर। आप दोनों तरफ जा रहे हो, अगर आमने सामने से कार आ रही है तो आपको इंडिविजुअल आवाज़ सुनाई दे जाएगी दोनों तरफ से कि भाई मेरे पीछे से कार आ रही है। इतनी शांति है। उस हिसाब से अपन अपना स्पीड, डायरेक्शन, नीचे उतरना है, कहाँ चलना है, वो सारी चीज़ें अपन डिसाइड कर लेते हैं। तो हम स्कूल एरिया में एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है, पहले ही बता दिया गया है यहाँ से निकलने वालों को कि यहाँ पर स्कूल है, बहुत ही धीरे तरीके से जाइए। ये स्कूल का एरिया है। हमने रोड क्रॉस कर लिया है, अब हम राइट हैंड साइड आ गए हैं। यहाँ पर वैसे तो स्कूल की बसें लगी हुई हैं, पूरी बसें हैं जो एयर कंडीशन रहती हैं, उससे जा सकते हैं बच्चे, आ सकते हैं, वो फ्री होती है। स्कूल भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे खाने को भी मिलता है स्कूल के अंदर, जो भी फ्री है। देखिए मैं आपको बता रहा था लकड़ी के पोल्स, ये देखिए लकड़ी के पोल्स हैं, सालों साल इन पोल्स का कुछ नहीं बिगड़ता। कितनी स्ट्रॉन्ग लकड़ी है आप देखिए। अगला जो पोल है ये भी लकड़ी का है। अभी जितने भी पोल इस पर इलेक्ट्रिसिटी के मिलेंगे, बिजली के मिलेंगे, ये सब लकड़ी के मिलेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, इतना स्ट्रॉन्ग लकड़ी है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ता, सालों साल चलते जाते हैं, चलते ही जाते हैं। ये ऊपर जो है इनका अनाउंसमेंट सिस्टम है, स्कूल के पास लगा हुआ है। अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी, टॉर्नेडो या ऐसा कुछ आता है तो ये सायरन बज जाता है, एमरजेंसी SOS मैसेज चला जाता है पेरेंट्स के पास में कि अगर आप बच्चे को खुद से पिकअप करना चाहें तो आप कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी जब अनाउंस होता है। अदरवाइज़ स्कूल की बस तो जो है वो आएगी उस टाइम पर जैसे आती है। तो ये पूरा अनाउंसमेंट सिस्टम वगैरह है, इमीडिएटली मैसेज चला जाता है कि आज हम बिकॉज ऑफ टॉर्नेडो स्कूल जल्दी बंद करेंगे, आपको आना है तो आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ स्कूल की जो बस है वो खुद से ड्रॉप कर देगी। देखिए उधर जो दूर लगा हुआ है वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी पोल है, लकड़ी का ही है ये भी। एक जो छोटा सा आपको दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैंडपम्प है। देखिए कितना छोटा सा हैंडपम्प है। ये जो है ये स्कूल का फ्रंट एरिया है जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए, जैसे टीचर से मिलना है, प्रिंसिपल से मिलना है, तो इधर से जाना है। तो जो गेट देख रहे हैं आप, ये वाला, इस गेट से ही जाना है। ये गेट खुला हुआ नहीं रहता, अंदर से जब तक नहीं खोलेंगे तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। ये इस तरीके की सिक्योरिटी है यहाँ पर जिससे कि कोई भी अपने यहाँ पे ना आ जाए। बाहर एक माइक सिस्टम लगा हुआ रहता है, जैसा आपने देखा होगा अपने INOX PVR पे लगा रहता है टिकट विंडो पे, जहाँ से टिकट ख़रीदते हैं वो अंदर से ही बोलती है, अपन बाहर से बोलते हैं। तो ऐसा होता है, वो जब तक पूछ लेंगे किससे मिलना है, कौन हो आप, जब तक आपकी आइडेंटिटी मैच नहीं कर लेंगे अपने सिस्टम से तब तक वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो इससे बच्चों की सिक्योरिटी और ये बनी रहती है। देखिए अब जैसे अपन ये रेड लाइट के पास आ रहे हैं, यहाँ पे रोड जो है वो ऑटोमेटिकली एक वाइड तरीके से हो जाता है। जैसे देखो सामने जाने वाला है, जिसको लेफ्ट में जाना है उसके लिए तो रेड लाइट है, सामने जाना है उसके लिए भी रेड लाइट है, पर अगर जिसको राइट हैंड साइड में जाना है अपने, तो वो देखिए आप जैसे वाइट लाइन देख रहे हैं, इधर टर्न है, वो यहाँ से मुड़ के जा सकता है। बट जैसे वो आपको
दिख रहा है सामने एक रेड कलर का YIELD ईल्ड, तो उसको इस रोड पे मिलने से पहले पीछे से आने वाला ट्रैफिक ज़रूर देखना है कि कोई पीछे से तो नहीं आ रहा है। पीछे से अगर कोई आ रहा है जो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसको जाने देना है, उसके बाद ही आप उसको क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। देखिएगा क्यों कह रहा हूँ मैं ईल्ड वाला, क्योंकि इधर से जो आ रहा है उसके लिए ये ग्रीन लाइट है, तो वो तो जाएगा ही सीधा। अगर आपको उस रोड पे जाना है तो आपको पहले पीछे देखना है कि पीछे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। तो ये है रोड, ये देखिए, अगर आपको आप अपोजिट साइड से आ रहे हैं और आपको इस तरफ मुड़ना है राइट हैंड साइड में, तो इस लाइन के अंदर आ जाना है और स्ट्रेट जाना है तो इस एरो पे सीधे निकल जाना है या सीधे खड़े रहना है अकॉर्डिंग टू द लाइट। और आपको अगर यहाँ से आ रहे हो और इधर मुड़ना है तो इस सर्किल के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आप टर्न ले सकते हो। देखा कितना अच्छा है, तो ट्रैफिक जाम नहीं होता है, जिसको इस लाइन में जाना है वही इस लाइन में आएगा, ऐसे कोई भी ऐसे नहीं आ सकता है। और ये लाइन देखना आप, अगर ट्रैफिक जैसे ज़्यादा देर के लिए भी ब्लॉक होता है तो कितनी लंबी लाइन है, ये कम से कम 100 मीटर की लाइन है कि आप 100 मीटर पहले इस लाइन के अंदर आ सकते हैं। और अगर रेड लाइट भी है या फिर ईल्डिंग हो रहा है, वैसे तो रेड लाइट इसके लिए नहीं है, पर अगर अपोजिट डायरेक्शन से कोई व्हीकल आ रहे हैं ज़्यादा, तो आप इस पूरी लाइन में खड़े होकर वेट कर सकते हैं उनके निकलने का, क्योंकि इस तरफ जाने के लिए कोई रेड लाइट नहीं है, ये आप कभी भी क्रॉस कर सकते हैं। बस आपको देखना यह है कि ईल्ड ना हो। और ये देखिए, इस रोड की जो स्पीड लिमिट है वो 55 माइल्स पर आवर है, तो इस पे आप 60 तक जा सकते हैं। 60 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो अगर पुलिस ने हाईवे पेट्रोल या पुलिस ने या सबके पास में रहता है रडार, अगर किसी ने भी आपको पकड़ लिया तो मिनिमम फाइन $165 और $170 तो होता ही है, इतना डॉलर आपको पे करना है। तो आपकी एक गलती कम से कम 10 से 11,000 रुपये की पड़ सकती है अगर आपने गाड़ी तेज चलाई स्पीड लिमिट से। तो अगर उस लिमिट में चला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो फाइन है वो अपन को ऐसे नहीं देना है कि ये पुलिस वाले लेंगे, ये अपन को एक पर्ची काट के दे जाते हैं, और सिस्टम इतना अच्छा है कि ऑनलाइन उसको भर दो। और अगर तुम्हें क्लेम करना है कि नहीं मैं गिल्टी नहीं था, मैं ऐसे कार नहीं चला रहा था, तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो। कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट फीस अलग से लगती है, प्लस फाइन जो है वो तो है ही, अगर आप गिल्टी हो तो वो दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी, और गिल्टी नहीं हो तो माफ़ भी हो सकता है या फिर थोड़ा कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कुछ इमरजेंसी थी क्या या समथिंग लाइक दैट, अदरवाइज़ वो जैसा कि आपने और यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा कि कई जज, एक जो जज कैप्रियो हैं यहाँ के, वो काफ़ी काइंड हार्टेड हैं, वो माफ़ कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं, या उनके पास जो डोनेशंस आता है वो उसमें से पे आउट कर देते हैं। ये देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, अभी मैं इस साइड हूँ लेकिन फिर भी उसने अपनी गाड़ी लगभग आधी उस तरफ ले ली है, जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो, मेरे पास सफिशियंट स्पेस है। आप देखिए इतना स्पेस है मेरे पास कि एक कार और चल सकती है। ये साइड है, ये वॉकिंग के लिए ही छोड़ा हुआ है या पार्किंग के लिए छोड़ा हुआ है, जैसे कभी कोई कार बस ट्रक ख़राब हो जाए तो इधर पार्क हो सकती है। तो इतना स्पेस मेरे पास है, लेकिन फिर भी उसने अपने कार उस तरफ ले ली अपोजिट साइड में, जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। आप देखेंगे हॉर्न आपने नहीं सुना होगा अभी तक, गाइज अभी यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर है जैसे मैंने बोला। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं आगे भी और आपको ऐसे वीडियोस US रिलेटेड लाता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि ऐसे वीडियोस आएँ। कभी वॉलमार्ट वगैरह जाएंगे तो वहाँ के वीडियो आपको दिखाऊँगा कि कपड़ों की रेट्स क्या होती है, कपड़े कितने के होते हैं। आपको सिंपल सा ये करना है, जितना डॉलर्स उस पर लिखा है उसको मल्टीप्लाई बाय 83 कर दीजिएगा,
जैसे अगर $1 लिखा है किसी चीज़ पर तो उसका मतलब वो इंडिया की 83 रुपीज़ है, वो इंडिया के 83 रुपीज़ में आ रहा है वो। देखिए कितना बड़ा जो है यहाँ पे ट्रक गया है। यहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज़ के अपने खुद के ट्रांसपोर्ट रहते हैं जिससे कि इनका सप्लाई चेन इंटरप्ट ना हो। और यहाँ की सबसे सही बात यह है कि यहाँ पे ड्राइवर्स जो हैं, ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, वो एटलीस्ट इवन यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं US के, उनसे ज़्यादा सैलरी कमाते हैं। इंडिया वाले जो इंडिया में काम कर रहे हैं उससे तो कहीं गुना ज़्यादा कमाते हैं। इनका नेट होम सैलरी आफ्टर टैक्स $8,000 से $10,000 आता है, जो ये आराम से घर लेके जा सकते हैं। इनका एक फिक्स शेड्यूल है कि ये वीक में इतने घंटे ही चलाएंगे। इनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इंश्योरेंस की, फूड की, रेस्ट की, और इनकी कंपनी का वादा रहता है कि ये वीकेंड पे आपको फैमिली के पास पहुंचाएंगे। तो ये इस तरीके से इनका, देखिए एक वाइट ट्रक आ रहा है सामने से, कितना बड़ा ट्रक है ये। यहाँ पे मैक्सिमम ट्रक इतना ही बड़े रहता है, सारे ही लगभग इतने ही बड़े मिलेंगे। देखिए ये एक और ट्रैफिक लाइट आ गई है यहाँ पे, एक ये कार जो है खड़ी हुई है, किसी को अगर उस साइड जाना है तो यील्ड का बोर्ड दिख रहा होगा आपको, YIELD, उधर जा सकता है वो। ये इसके लिए ग्रीन हो गया है, सामने जिसको जाना है वो सामने जा सकता है, लेफ़्ट जाना है लेफ़्ट जा सकता है। देखिए फिर से ये ऑरेंज हो गई है, अब फिर से खड़ी हो जाएगी कार, ये देखिए ये आकर खड़ी हो गई है। उधर जिसको साइड से जाना है वो उधर से निकल गया है, देखिए वो रुक गई है क्योंकि यहाँ से कार जा रही थी उसके पीछे ही जाएगा वो, ऐसे नहीं जा सकता है। ये जो कार खड़ी हुई है दो, ये बिकने के लिए खड़ी हुई है, ये कैप रीजनल बैंक है। ये वाली कार है काफ़ी ओल्ड मॉडल है, काफ़ी दिनों से खड़ी हुई है, अराउंड 6 मंथ हो गए। इसका आस्किंग प्राइस है 6,500। अब आप देखिए अपन बिजनेस लूप में आ चुके हैं। यहाँ पे एक रोड से जो कनेक्टेड रहता है, जो साइड की रहते हैं जहाँ पे बिजनेसेस रहते हैं, उसको बिजनेस लूप कहते हैं। बिजनेस लूप मतलब वहाँ पे सारी कंपनी, कुछ कंपनीज होंगी, पेट्रोल पंप्स होंगे, बर्गर किंग या ऐसे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, तो इसका मतलब ये होता है। आज हम आपको यहाँ के गैसोलीन का प्राइस बताएंगे, जो इंडिया में जिसको पेट्रोल कहते हैं यहाँ पर उसको गैसोलीन कहते हैं। तो उसका जो प्राइस है हर पेट्रोल पंप पे आपको डिफरेंट मिलेगा, चाहे वो 0.1 सेंट ही डिफरेंट हो। कहीं जो है जो कंपनी ओन्ड काइंड ऑफ रहते हैं, जैसे रोड्स है, कैशी है, फिलिप्स है, एमरी मार्ट है, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, अगर ये पर्टिकुलरली किसी कंपनी का है तो वहाँ पे आपको प्राइस मिल सकता है। पर अगर इवन वो 1 और 2 माइल के डिफरेंस पे, तो अभी प्राइस चेंज हो जाएगा। तो सबसे सही जो देता है वो यहाँ पर वॉलमार्ट का है, वो देता है बिल्कुल सही। जैसे अभी आपको यहाँ पे ये जो सामने है मेरे, इसका प्राइस चल रहा है 2.68 के आसपास, क्लियर नहीं आ रहा है तो दिखाने की कोशिश करूंगा मैं किसी नेक्स्ट पे या इसके पास और जा कर के। देखिए आप ये जा रहा है कार्स वगैरह, आज सैटरडे है तो लोग घूमने के लिए निकले हुए हैं। यहाँ के कार्स का आप देखेंगे, ये पेट्रोल पंप है, इसके अंदर इनका मेन अर्निंग सोर्स होता है, इसके अंदर जो स्टोर है उधर ये सब कुछ देते हैं, ऑलमोस्ट पिज़्ज़ा, बर्गर, कॉन्फेक्शनरी आइटम्स, डोनट्स एंड अल्कोहल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। यहाँ पर खुद से भरा जाता है पेट्रोल भी, कार्ड लगा दो, पिन डाल दो, सेल्फ सर्विस है, ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। पहले नहीं करना है, जब भर जाएगा तब करता है पैसा ऑटोमेटिक। ये देखिए प्राइस जो है आज का 2.68 है, ये लगभग 1 गैलन का प्राइस है। 1 गैलन जो होता है वो इक्वलेंट टू 4 लीटर, ऑलमोस्ट लाइक 3.75 लीटर्स होता है। तो अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा INR में, होपफुली 80 के आसपास निकल करके आएगा ये, तो लगभग 77 से 80 रुपये के आसपास इसका प्राइस निकल करके आएगा। ये देखिए ये
न्यू हॉलैंड का है, न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर, उसके कितने छोटे छोटे ट्रैक्टर्स हैं, जिसको जितना छोटा फार्म है घर के लिए लेना है वो घर के लिए भी ले सकता है ट्रैक्टर्स, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा सब कुछ है। क्योंकि मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो और मुझे भी कोई दिक्कत ना हो, मेरे सामने से आने वाले सब दिख जाएं। ये देखिए आरवी पार्किंग एरिया है, ये जैसे कोई बाहर से आ रहा है तो वो अपना आरवी यहाँ पे पार्क कर सकता है। इसका कुछ पर डे का चार्जेस रहता है जिसमें इनको इलेक्ट्रिसिटी और ये सब मिलता है, जिससे ये इसके अंदर की बैटरीज और अप्लाइंसेस जो हैं लाइक माइक्रोवेव फ्रिज ये सब लोग यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे ऐसे कई पार्किंग एरियाज और ये सब बने हुए रहते हैं, काफ़ी कन्वीनियंस का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। आप यहाँ के जो ये पेट्रोल पंप्स वगैरह है यहाँ पर आप खुद से मतलब ऐसे जनरली काफ़ी दूर जो हाईवेज रहे वहाँ पर रेस्ट रूम आपको मिलेंगे, काफ़ी अच्छा सिटिंग एरियाज अरेंजमेंट, ग्रीनरी क्लीननेस सब कुछ रहता है, तो वहाँ पर आप रेस्ट रूम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर जो पेट्रोल पंप्स है जो गैसोलीन पंप कहते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे जो है वो फ़िलिप्स का पेट्रोल पंप है, फ़िलिप्स 66। इसमें आपको इसका भी आज का रेट जो है 2.68 है, तो काफ़ी कम है। ये जैक्सन फ्रूटलैंड का एरिया है जहाँ का ये प्राइस है। इसके आगे अगर अपन 12 माइल और जाएंगे तो वहाँ पे केप पड़ेगा, केप जिराडू, उधर आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है लाइक 2.65। और अगर जैक्सन के वॉलमार्ट में जाएंगे जहाँ वॉलमार्ट का भी पेट्रोल पंप है वहाँ पे आपको होपफुली 2.5 सेंट के आसपास पेट्रोल मिल जाएगा, जो सबसे कम है प्राइस। ये यहाँ का कार क्लीनिंग है, कार क्लीनिंग एरिया है सुपर सुट्स, ऑटोमेटिक है, पैसे डालोगे ऑटोमेटिकली सब कुछ चालू हो जाएगा, वैक्यूम क्लीनर वाटर जैक एवरीथिंग। यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है कि यहाँ पे कोई खड़ा है, कार आपको खुद को ही वॉश करनी है, पानी चालू होगा तो पाइप आपको ही पकड़ना है, आपको ही वॉश करना है, उसके अंदर शैम्पू और ये सब शैम्पू पॉलिश जो है जो आता है धोने के लिए वो ऑटोमेटिकली फीडेड रहेगा, तो आपको बस उसको चारों तरफ से करना है। बाकी एयर कर्टेंस वगैरह है वो चालू होगा। तो ये देखिए ये पेट्रोल पंप है, इसके सामने जो है वो स्टोर है, उसके अंदर सब कुछ ही मिलता है। कभी अंदर अपन जाएंगे तो दिखाएंगे कि आपको इसके अंदर क्या क्या मिलता है, ऑलमोस्ट डेली नीड के लिए और जो एक ट्रैवल के लिए चाहिए, जैसे बच्चों को कुछ खाने को चिप्स चाहिए, बिस्किट चाहिए या कुछ भी चाहिए तो वो यहाँ से ले सकता है। ये देखिए ट्रक्स खड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, इनका इंजन लगभग ऑन ही रहता है, इनका एसी बंद नहीं होता, ये चलाएँ या ना चलाएँ, तो इनको इतनी फैसिलिटी दी हुई होती है यहाँ के मालिकों के द्वारा कि ये अपना कंटिन्यू इंजन ऑन रख सकते हैं, सो सकते हैं, खा सकते हैं। इसके अंदर ये छोटा हीटर टाइप रहता है तो उसी से ये खाना बनाते हैं, गर्म करते हैं और ये सारी चीज़ें कर लेते हैं यहीं पे। तो इनकी जो लाइफ है यूएस के ट्रक वालों की काफ़ी कन्वीनियंट है, काफ़ी अच्छी है। देखिए रोड्स मतलब कहीं से कुछ ना कंजेशन है, ओनली कारों के जाने की आवाज़ें हैं, ना कोई हॉर्न बजा रहा है ना कुछ कर रहा है, ट्रैफिक कितना स्मूथली फ्लो हो रहा है। मेरे पास काफ़ी लंबी बड़ी जगह है, जैसे जो ट्रक्स हैं, जैसे कार सामने से जो ट्रक आ रहा है ये तो खैर अपनी लेन चेंज, देखिए ये भी अपनी कोशिश कर रहा है लेन चेंज करने की, पर इसको स्पेस मिलेगा, देखिए कर दिया इसने चेंज। ये है ट्रैफिक यहाँ का, इसने मुझे देखा और अपनी लेन चेंज कर ली, देखिए इसने भी कर लिए। पर ये कार वाले जो हैं ये शायद करें ना करें, क्योंकि ये छोटे हैं तो इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास सफिशेंट स्पेस है इस साइड में। तो ऐसा है, देखिए अब आप खुद से देखिए ये पॉसिबल है कि आपने वहाँ पर, ये ट्रक वाला भी इसने देखो वाइट लाइन को उस तरफ कर लिया है थोड़ा सा, ये अपने राइट हैंड साइड की तरफ नहीं चला रहा है जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो।
ओके गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोस। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे आपके पास में, लाइक और सब्सक्राइब मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, बच्चों को भी दिखाएं यूएस की लाइफ, जिससे थोड़ा उत्साहित हों, पढ़ें लिखें, अच्छी कॉलेजेस में जाएं, फिर पढ़ने के लिए इधर आएं। तो ये जिससे कि वो लोग भी थोड़ा लाइफ एंजॉय कर सकें, जी सकें। भारत में भी काफ़ी एंजॉयमेंट है, उसका मज़ा कुछ और है, यहाँ का मज़ा कुछ और है, हर जगह का मज़ा कुछ और है। पाकिस्तान जाओगे तो वहाँ का मज़ा भी है, वहाँ बॉम ब्लास्ट होते हैं, वहाँ हर टाइम दिवाली होती है। तो ऐसे हैं, तो अपन को पाकिस्तान वगैरह तो नहीं जाना है, अपने बच्चों को उस तरीके के संस्कार नहीं देने। ऐसा करना है कि अपने बच्चे US आ सकें, यूरोप जा सकें, वहाँ की लाइफ इन्जॉय कर सकें, देख सकें, रह सकें कि कितना अच्छे सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें हैं। ओके बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।